बयान दिया है कि जो मनोहर लाल मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के, आप वो मेरी नकल करके ग्रामों में तलवार लगा रहे हैं, जनता के पास जा रहे हैं, जबकि ये शुरुआत मैंने की थी और उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री को एक नकारा मुख्यमंत्री करा दिया। देखिए, उसने अपने गृहबान में जाना चाहिए, देखना चाहिए कि जो दूसरे व्यक्ति के प्रति, ऐसे व्यक्ति के प्रति उंगली उठाता है जिसने हरियाणा की राजनीति के मायने बदलने का काम किया है, जो जन सुविधाएँ हैं वो जन सुविधाएँ आम जन तक पहुंचाने का काम उन्होंने अपने कार्यकाल में किया है, जिससे लोग वंचित रहते थे, जिसकी बात भी नहीं सुनी जाती थी, गरीब व्यक्ति की तो बात भी नहीं सुनी जाती थी। और उसको मालूम है कि उस नकारापन के कारण ही वो तिहाड़ जेल के अंदर है, उसको ये भी ध्यान में रहना चाहिए, सोचना चाहिए उसने, क्योंकि उनका जो शासन रहा है वो शासन भय का शासन रहा है और उनके शासन के अंदर लोग अपने आप को उपेक्षित महसूस करते थे। आज मनोहर लाल जी ने हरियाणा के 2.5 करोड़ लोगों के लिए काम किया, आज हरियाणा के 2.5 करोड़ लोग ये बात अपने आप को महसूस करते हैं कि ये सरकार मेरी सरकार है और उनको इसके ऊपर गर्व होता है। और उस कारण से, क्योंकि इनका जो कार्यकाल रहा है वो कार्यकाल क्षेत्रवाद या परिवारवाद के अंदर उलझा हुआ रहा है और आज हरियाणा की जनता ने उसको नकार दिया, उसको समाप्त कर दिया। आज मनोहर लाल जी ने सबका शासन का विकास, हरियाणा एक हरियाणवी एक को लेकर के काम कर रहे हैं और जब इनका विश्वास जनता ने, ये खो चुके हैं जनता का विश्वास, तो इस प्रकार का, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन में आ गए हैं, पहले तिहाड़ जेल में पड़े हैं, तिहाड़ जेल से बाहर आकर के क्या बोलेंगे, क्योंकि जनता का ये अगर दरबार लगाते थे तो जनता ने आज ऐसी स्थिति क्यों पैदा कर दी कि इनकी जमानतें जब्त हो रही है, क्योंकि इनका जो शासन तंत्र रहा है वो लूटपाट का शासन तंत्र रहा है, चाहे कांग्रेस है, कांग्रेस ने भी देश को लूटने का काम किया है और इन लोगों ने भी लूटने का काम किया है। कोई व्यक्ति अपनी ठीक प्रकार से बात नहीं रख सकता था, उस व्यक्ति को बहुत ही लज्जित करके उनको बाहर खदेड़ने का काम ये लोग करते थे, ये सब हरियाणा प्रदेश की जनता जानती है और उनको मालूम है। उनको आज ये उनका जन का विश्वास खो चुके हैं और उनका सुपड़ा साफ हरियाणा प्रदेश की जनता ने किया, दोबारा ये उस धरने के ऊपर आने वाले नहीं है। ऐसे कुछ आपकी पार्टी के पूर्व सांसद के भी देखने को मिल रहे हैं जिनका नाम चौधरी वीरेंद्र सिंह है, उनके बेटे को बीजेपी ने टिकट दी लेकिन उसके बाद भी ये कह रहे हैं कि ये टिकट तो मैं डायरेक्ट लेके आया हूँ। उसके अलावा उन्होंने भी थोड़ी हरियाणा प्रदेश सरकार के ऊपर कार्यशैली पर सवालिया निशान कुछ लगा रहे हैं आजकल, वो कहाँ देखते हैं? नहीं देखिए, ऐसा नहीं है, अगर उसको कहीं इस प्रकार की बात लगती है तो परिवार घर में बैठ कर के बातचीत वो होनी चाहिए, क्योंकि वीरेंद्र सिंह जी सीनियर नेता पार्टी के हैं और पार्टी भी सम्मान पूरा करती है, पूरा सम्मान देती है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारी जो पार्टी है वो सबको साथ लेकर के वो विकास करती है और उसमें कहीं भेदभाव नहीं बरता जाता। देखिए, हमारा कार्यकर्ता चुनावी मूड के अंदर रहता है और लोकसभा के चुनाव के बाद हरियाणा में भी फिर एक बार मनोहर सरकार वो आने वाली है और हरियाणा प्रदेश की जनता दोबारा फिर मनोहर लाल जी के नेतृत्व में भारी बहुमत से हरियाणा के अंदर फिर सरकार बनाने जा रही है। कांग्रेस का या अन्य दलों का तो खाता मेरे ख्याल से मुश्किल खुलने वाला है। आज इस प्रकार की अब बातें आ रही हैं कि इनेलो के मुखिया और कांग्रेस के मुखिया दोनों एक मंजे के ऊपर बैठ गए हैं और बातें कर रहे हैं, परंतु आज प्रदेश की जनता भी जानती है कि इन लोगों ने अपने शासन में क्या क्या किया है और इनको आज कहीं पर भी कोई सफलता मिलने वाली नहीं है, क्योंकि ये विश्वास खो चुके हैं जन का और हरियाणा प्रदेश के अंदर दोबारा फिर मनोहर लाल जी के नेतृत्व में भारी बहुमत से सरकार बन रही है, ये हरियाणा की जनता ने तय कर दिया। बिल्कुल ये सही बात आपने कही है और इसके ऊपर आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी चिंता जाहिर की है और अपील भी की है कि आप जो ज़्यादा ऐसी फसल ना लगाएं भी जिससे ज़्यादा पानी का खपत होती है और उसके अंदर ऐसी फसलों का भी आप उगाएँ
कि जिनमें पानी कम लगता है और पानी कम लगेगा उन फसलों को खरीदने की भी जिम्मेदारी, और उसके अंदर कुछ और उनको सब्सिडी के माध्यम से कुछ पैसा देने की बात आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कही है, जैसे मक्का की फसल है और कुछ जो NGT ने डार्क जोन घोषित किए हैं, क्योंकि NGT भी एक अपने आप में स्वतंत्र इकाई है, वो इस प्रकार के ऊपर वो कार्य करती रहती है, और जहाँ जहाँ पर भी इस प्रकार की समस्याएं आ रही हैं वहाँ हम सब में उसका समाधान की तरफ जाना चाहिए, खोजना चाहिए, ताकि जल ही जीवन है, और अगर जल नहीं है तो जीवन भी नहीं है, और ये प्रकृति का एक ऐसा स्रोत है, एक ऐसा साधन है कि जो कहीं बनता भी नहीं है, तो नीचे से ही प्रकृति से ही हमें उपलब्ध होता है, और इसके बारे में हम सबको जागरूक होना चाहिए। जी आप जो आप धन्यवाद बोले कल्याण काम करते हैं तो क्या कुछ कैथल की जनता का मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और मेरे लगातार कार्यक्रम भी चल रहे हैं धन्यवाद के दौरे चल रहे हैं, पहले मैं विधानसभा स्तर को धन्यवाद के दौरे किए हैं, और अब ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जा कर के जनता का धन्यवाद करने के लिए मैं लगातार जा रहा हूँ, क्योंकि जिस प्रकार से जनता ने नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को मुहर लगाई है, मनोहर लाल जी की नीतियों पर मुहर लगाई है, ये हमारा फर्ज बनता है कि हम गांव में जा कर के जनता का धन्यवाद करें। आज मेरे 8 गांव के कलायत विधानसभा के अंदर कार्यक्रम है, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि जनता से रूबरू होने का अवसर मिलेगा, उनका धन्यवाद करने का अवसर हमें मिलेगा, ताकि लोगों को जब कोई इच्छा होती है कि वोट दे तो हमारा प्रतिनिधि हमारे बीच में आए, परंतु हमने तो ऐसा देखा है कि प्रतिनिधि एक बार वोट ले जाता है तब तक तो नज़र आता है जिस दिन तक वोट पड़ती है, उसके बाद नज़र नहीं आता, परंतु हम 24 घंटे की अवधि यहाँ रहेंगे, जो लोकसभा का समय है तो लोकसभा में देंगे, और जो जनता का समय है तो जनता के बीच में। तो विधानसभा के जो आगामी चुनाव आने वाले इसके लेकर भी बिल्कुल मैंने सारी बात बताई है आपको, अभी बताई है, क्योंकि हमारी पूरी की पूरी तैयारी है, सभी कार्यकर्ता हमारे तैयार हैं विधानसभा को लेकर के, और जनता के अंदर भी बहुत बड़ा उत्साह है मनोहर लाल जी की नीतियों को लेकर के। जब विधानसभा के चुनाव आएंगे तो मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि विपक्ष की कोई भी सीट आने वाली नहीं है, इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा, और यहाँ पर मनोहर लाल जी के नेतृत्व में 90-90 विधानसभा की सीटें वो जीत करके दोबारा फिर हरियाणा के अंदर मजबूत हाथों में वो सरकार बन रही है, जिससे हरियाणा प्रदेश का और गति से विकास होगा।